देश में अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीती शनिवार शाम बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया है। राजनाथ सिंह को एक बार फिर लखनऊ से चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है, जिसका मतलब है कि राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि कही जाने वाली लखनऊ संसदीय सीट पर 1991 से बीजेपी का कब्जा रहा है। अटल जी इस सीट से लगातार 5 बार सांसद रहे हैं। वहीं 2014 में मोदी लहर में राजनाथ सिंह ने इस सीट से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता था। वहीं अब एक बार फिर उनके कंधों पर नवाबों के शहर की इस सीट को जीतने का दारोमदार है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं है जब बीजेपी लखनऊ सीट से जीतती रही है। दरअसल इस सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी को भी हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से 8 बार चुनाव लड़े थे, जिनमें से उन्हें शुरुआती 3 चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार इस सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1996, 1998, 1999 और 2004 में लगातार 5 बार सीट जीती थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।